मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जी को कायदे से कार्रवाई करनी नहीं करेंगे तो फिर ऊपर की जांच एजेंसी है, आज नहीं तो कल उस पर कार्रवाई होगी, तो फिर मुख्यमंत्री भी तैयार रहे उसके लिए। जहां उनके दलाल बिचौलिया लोग गए हैं वहां जाने के लिए भी तैयार रहे। छाने के लिए पहले तो उन्होंने क्या किया कि भाई विभाग उनका चेंज कर दिया। भाई ट्रांसफर कोई पनिशमेंट नहीं होता है, सजा नहीं होती है। ट्रांसफर तो रेगुलर भी होते रहता है सचिवों का या पदाधिकारियों का, कर्मचारियों का। हम लोगों ने क्या मांग किया था भाई, उनको निलंबित करनी चाहिए थी, उनके ऊपर FIR होनी चाहिए थी, लेकिन वो सब किया नहीं। उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी जो कि महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं, तो उनको बचाने के लिए ये उन्होंने जांच बिठाया। और भी रिटायर जो BK गुप्ता की अध्यक्षता में, भाई क्या मतलब है, उन्होंने एक नहीं कई गड़बड़ी की हुई है। एक गड़बड़ी तो कल ही मैंने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, पुलिस निगम में किस प्रकार से वहां के जो इंजीनियर चीफ थे उसकी बहाली हुई है, उसका एक्सटेंशन हुआ है, एक एक दिन में कैसे फाइल मूवमेंट किया है। उन्होंने पुलिस निगम की ओर से गोड्डा में जो पुलिस हाउस का वहां पर जो टेंडर हुआ, विशाल चौधरी के कंपनी को टेंडर दी गई, और जब विशाल चौधरी के घर पर जब रेड हुआ तो इंजीनियर ने उसकी टेंडर को रद्द कर दिया। आप जरा सोचिए, और रद्द ही नहीं किया, रद्द करने के बाद जो सिक्योरिटी मनी जमा होता है वो भी आदेश दिया गया कि उस पैसे को उनको वापस कर दिया, जर पैसे उसको विभाग ने वापस कर दिया। और बाद में इंजीनियर को समझ में आया कि ये तो आप फंसने वाले हैं, तो फिर उनको पत्र लिखा है कि साहब उससे पैसा फिर से रिकवर किया जाए। ये क्या खेल चल रहा है? क्योंकि वहां सचिव कौन थे, गृह विभाग में, कारा विभाग में, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का थे, और उन्होंने प्रभाव का किस प्रकार से दुरुपयोग किया है अपनी पावर का, वो एक छोटा एक नमूना है। वो भी देखिए, आपने देखे होंगे पहले भी मुख्यमंत्री किस प्रकार से अपराधियों को बचाने की वो कोशिश करते हैं, उसका एक दूसरा ये नमूना है। दूसरा मैं इसलिए कह रहा हूं, जो कल उन्होंने निर्णय लिया है कि VK गुप्ता के अध्यक्षता में जांच कमेटी उन्होंने बनाई और ये हमने कहा कि ये दूसरा नमूना है। तो पहला नमूना आप सब लोगों को ध्यान में होगा कि प्रेस में भी आया था, मुख्यमंत्री सचिवालय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया था, साहेबगंज में जो पत्थर की इलीगल जो ढुलाई, आप देखिए उसमें कितनी बढ़िया तरीका से उन्होंने कारीगरी किया। उन्होंने एक कमीशन बनाया, SIT गठित किया VK गुप्ता की अध्यक्षता में, और कहा कि ट्रेन में इलीगल जो सप्लाई हुई है उसकी जांच करेगी। लेकिन वो ट्रेन में कहां से आया इसको जांच नहीं करेंगे, क्योंकि वहां तो DMO, वहां के उपायुक्त, ये सारे लोग इन्वॉल्व है, वहां के पुलिस महकमे जितनी भी उससे जुड़े हुए पदाधिकारी सारे लोग इन्वॉल्व है। हम ही नहीं करेंगे, आप जांच मत करिए, रेलवे भी जांच करिए, वो भी दोषी होंगे तो भी सजा मिलेगा। लेकिन जांच कहां से होनी चाहिए, जहां से पत्थर का उत्खनन हुआ है, जहां से उसकी स्रोत है, लेकिन वहां से वो जांच नहीं करेंगे। उसको सीधा सीधा उन्होंने क्या बोलते हैं, मैंने क्लीन चिट अपने लोगों को बचाने के लिए। भाई ऐसा कोई जांच होता है क्या? हम लोग तो कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री जी, आप पूरे मामले आप CBI को सौंप दीजिए ना,
और नहीं तो आप बीके गुप्ता से ही जांच करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जांच वहां से होनी चाहिए जहां से पत्थर की खदान की उत्खनन हुआ और वहां से ट्रांसपोर्टिंग हुआ और उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, ये सारे चीजों की पता चल जाएगी। नहीं तो ट्रेन में जांच करके क्या पता मिलेगा, ये कैसे करी करे, कैसे बुद्धिमानी कर रहे हैं, कैसे समझाना की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए हमने कहा कि भाई ये जो मुख्यमंत्री ने ये दूसरा कारीगरी किया है, मंत्री को भी पूछेंगे तो शायद वो लोग भी आपको नहीं बता पाएंगे कि वो लोगों ने क्या बनाया है। तो हालत ये है, हम लोग तो इतना ही कह रहे हैं राज्य के मुख्यमंत्री को, बताइए भाई आपने पूरे राज्य की यात्रा की, 1932 की आपने चर्चा करते रहे, बढ़िए ढोल गांव क्या बोलते हैं पिटाते रहे, खूब खुशी आपने मनाए, हम लोगों ने भी सदन में उनको साथ दिया, हम लोग क्या हुआ, कौन सा नीति बनाए, 32 कहाँ चला, क्या हुआ। वो तो कह रहे हैं कि राज्य के युवाओं का बहुमत यार, मैं हम कर राज्य के युवाओं का, तो फिर 6-7 लाख युवाओं ने जो ट्रेंड किया है 60-40 नहीं चल, तो एक बता दो फिर वो कौन युवा है, बीजेपी का प्रोपेगंडा बता। अरे यार बीजेपी का प्रोपेगंडा बताओ, 6-7 लाख युवा अगर आज विरोध कर रहे हैं झारखंड की जनता, झारखंड के नौजवान, तो वहाँ बीजेपी कहाँ है, बीजेपी तो उन नौजवानों के साथ है, उन लोगों के साथ है। इसलिए राज्य की इतनी छोटी सी बातें हैं मुख्यमंत्री को आकर के बतानी चाहिए सदन में खड़े होकर के, कौन बहुत बड़ी बात तो हम लोगों ने कही नहीं उनसे, अगर इतनी भी बताने को डर रहे हैं, शर्मा रहे हैं या पता नहीं क्या हो रहा है मुख्यमंत्री जी को, तो ये तो हम लोग मांगेंगे, ये तो हम लोगों का अधिकार बनता है, नहीं तो फिर झारखंड की जनता कहेगी कि भाई आप लोग चुप क्यों रहे, सरकार से क्यों नहीं पूछे, सदन चल रहा है। हाँ सदन चलते अगर उन्होंने कुछ नहीं किया होता तो शायद हम लोग नहीं पूछते, हम लोग कहते कि कब कर रहे हो, ये बात हम लोग उनसे पूछते, लेकिन अब तो उन्होंने किया है तो फिर उनको बताना पड़ेगा। अरे इतने के लिए ही हम सब लोग सदन में बार बार आवाज उठाना पड़ता है, अपने को भी अच्छा नहीं लगता है भाई, इतनी छोटी सी बात अगर मुख्यमंत्री ने कैबिनेट से निर्णय लिया, अगर उस निर्णय को भी मुख्यमंत्री अपने मुख से बताने में संकोच कर रहे हैं, बताने में वो डर रहे हैं या क्या हो रहा है पता नहीं, ये तो मुख्यमंत्री ही बता पाएंगे, तो ये गलत है कि नहीं है बताइए आप ही लोग, तो क्या दिक्कत है, कितना बड़ा मांग हम लोगों ने कहा, कितनी बड़ी बातें हम लोगों ने कहा, उन्होंने तो छोटी सी बातें कही, तो इतना ही तो मुख्यमंत्री को कर। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ हुआ का देखा तो हम तुम का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।